तब आप पहुंच गए हैं हम शिमला के बटाकुफर फल मंडी में, जहां पर सेब अब काफी मात्रा में यहां पर पहुंच रहा है। और क्या जो है रेट सेब के है, किस भाव जो सेब बिक रहा है, कौन कौन सी जो वैरायटी जो इस समय जो मार्केट में है, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। और बोलियां जो है आपको सेब की हम लाइव जो है अभी आपको दिखाएंगे। तो आपको सेब की जो बोलियां है लाइव आपको दिखाएंगे, और कहां से जो है वो भी आपको बताएंगे, कौन से हम नंबर में जो हम यहाँ पर खड़े हैं। और सेब ही सेब जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और आप देख रहे हैं सेब की क्वालिटी आप देखिए, और उसी हिसाब से जो यहाँ पर रेट भी मिलता है। आप देख सकते हैं कि बढ़िया क्वालिटी का सेब है यहाँ पर, कलर भी अच्छा है और साइज भी अच्छा है, और उसी हिसाब से जो है यहाँ पर बोलिए। 101 पेटी का लॉट आ गया भाई, 101 पेटी का लॉट आ गया भाई, 4 लार्ज 4 मीडियम 18 स्मॉल, 51 पेटी एक्स्ट्रा स्मॉल 24 पेटी 240, कोई सिक्स लेयर नहीं है भाई। 101 पेटी में भाई 4 लार्ज 5 4 लार्ज 4 मीडियम 18 स्मॉल, 51 पेटी एक्स्ट्रा स्मॉल 24 पेटी 240 रुपया, 211 रुपया, 2400 रुपया, 2100 रुपया, 2200 रुपया, 2500 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 रुपया,
का 2611 रुपया हुआ कोल, 101 पेटी में कोल कितनी नहीं है भाई, 2611 रुपया, 2611 रुपया, 2711 रुपया, 2711 रुपया, 2711 रुपया, 2721 रुपया, 2731 रुपया, 2731 रुपया, कोई सिक्स लेयर नहीं है भाई लॉट में। आपको बता दें कि जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2811 जी एम के भोलू ठाकुर जी, आप लाइव टाइम, आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत है और आपको हम तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं। 2811 का जो है भी इस पेटी का जो रेट किया है, तो 2800 रुपए की ये पेटी जो ये सेब है ये बिका है। और आपको बता दें 5 लेयर जो ये पेटी है। और समय मौजूद है हम PRJ में और 53 नंबर शॉप में हम खड़े हैं और वहाँ पर जो है बोली यहाँ पर लग रही है। बात कर रहे हैं और
अब जो है पेटी खुल रही है, 7 लेयर है, लगभग जो है 35 किलो जो है इसका वेट होगा। और रॉयल सेब है ये आपको बता दें राजेश शर्मा जी, बिल्कुल हम भट्टा कुफर में है इस अभी मौजूद, शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी में 53 नंबर शॉप के सामने, और वहां पर जो है बोली आपको दिखा रहे हैं, काफी अच्छे किस्म की जो बोली इसके पहले लगी है, अच्छे किस्म की जो बोली सेब यहां पर पहुंचे हैं। यश ठाकुर जी, रेड गोल्डन का क्या आप रेट पूछ रहे हैं, आपको बताएंगे। अभी रॉयल का जो है यहाँ पर बोली यहाँ पर लग रही है, जैसे जैसे सेब की बोली यहाँ पर लगेगी आपको पूरी हम जानकारी देंगे। फिलहाल अभी जो है जो बोलियां हैं आपके सामने हैं, राजेश शर्मा जी आपको बताएंगे कि रेड गोल्डन क्या सेब है, पूरी जानकारी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको पूरी जानकारी देंगे। अभी जो है रॉयल सेब की जो बोली हम आपको दिखा रहे हैं, और 2800 रुपये पेटी जो है 5 लेयर यहां पर बिकी है। लूज पैकिंग के सेब है वो अभी हमें यहाँ पे दिखा नहीं है। 2100 रुपया जय बोली, 2200 रुपये नेट करो भाई, आइए 2211 जो यहाँ पर गया है, जो आप साइज देख रहे हैं ये, और जो मीडियम साइज का जो ये पेटी है 2211 पे यहाँ पे बिके 800 रुपये। तो आज जो है काफी अच्छा सेब जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये जो सेब की बोलियां हैं हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी से। तो गोल्डन सेब भी यहाँ पर पहुंचा है, आप देख सकते हैं गोल्डन सेब भी है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है, तरह तरह की जो वैरायटी है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। सेब की अगर बात करें ये यार आपके साथ जो खड़ा था ये ¡Suscríbete al canal!
9 एक्स्ट्रा स्मॉल 13 240 19 बेडी 6 ले रहे बुलेट दीवान सिंह चौहान जी पूछ रहे हैं नाशपाती का क्या रेट चल रहा है। अभी नाशपाती हमें दिखी नहीं है यहाँ पर, अगर बात करें शिमला भट्टा कपूर फल मंडी में तो जैसे जैसे आपकी इंक्वायरी है हम पूरी पूरी करने की कोशिश करेंगे। 1000 ये आपके 50 पेटी में 19 पेटी बढ़ी है, 30 पेटी बढ़ी है 50 में, 2 मीडियम 6 स्मॉल 9 एक्स्ट्रा स्मॉल 13 240 19 पेटी 6 में 1000 1100 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
आपको बता दें आप रेड गोल्डन की जो है यहाँ पर बोली लगने वाली है, रेड गोल्डन की जो आपको जानकारी देंगे कि रेड गोल्डन क्या जो रेट यहाँ पर जा रहा है। रेड गोल्डन जो है अब रेड गोल्डन की यहाँ पर बोली यहाँ पर लगने वाली है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर पहुंची है। रेड गोल्डन की बात करें तो रेड गोल्डन के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और रेड गोल्डन की बोली यहाँ पर लगेगी और आपको बताएंगे कि क्या प्राइस जो है रेड गोल्डन का यहाँ पर गया है, रॉयल यहाँ पर पहुंचा है। ये रेड गोल्डन आपके सामने तो रेड गोल्डन आपको बता दे 700 रुपए यहाँ पर बिका है। रविंद्र चौहान जी मुझे गार्लिक का क्या प्राइस देखिए, अभी हम सिर्फ फल मंडी में है, गार्लिक यहाँ पर नहीं बिकता है, यहाँ पर सिर्फ फ्रूट जो है आप बिकते हैं। और रेड गोल्डन जो है 700 रुपए पेटी यहाँ पर गई है। राजेश शर्मा जी पूछ रहे थे रेड गोल्डन के बारे में, आपको बता दे नाशपति भी जो है आपके सामने, अब नाशपति की भी पूछ रहे थे दीवान सिंह चौहान जी की नाशपति क्या रेट बिका है, तो नाशपति का भी आपको दिखाएंगे। तो ये नाशपति की भी जो बोली यहाँ पर लग रही है 53 नंबर शॉप के सामने हम खड़े। तो नाशपति 650, रेड गोल्डन 700, रॉयल जो है अभी तक 2800 रुपए यहाँ पर बिका है। गोल्डन के भी हमारे से पूछ रहे थे कि गोल्डन क्या है, शर्मा कुलदीप जी पूछ रहे थे, तो गोल्डन सेब भी जो आपके सामने बोलिए दिखा रहे हैं कुलदीप जी, आप देख सकते हैं गोल्डन सेब का क्या प्राइस है, वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे।
87 बेडी गोल्डन में 87 बेडी गोल्डन है भाई 87 बेडी गोल्डन भाई भाई दो स्मॉल 8 एक्स्ट्रा स्मॉल 14 240 60 बेडी सिक्स लेन है भाई सिक्स लेन है 60 87 बेडी भाई 87 बेडी दो स्मॉल 8 एक्स्ट्रा स्मॉल 17 बेडी 240 411 रुपया माल साफ है छोटा है 521 550 लिखू लिखू तो गोल्डन जो है सेब आप पूछ रहे थे तो गोल्डन ये है आपको बता दें 550 रुपये रॉयल जो अभी तक जो बिका है दिनेश जिमटा जी अभी तक जो रॉयल बिका है वो 2800 रुपये यहाँ पर बिका है जो हाईएस्ट जो रॉयल बिका है हमारे सामने वो 3000 रुपये का यहाँ पर रॉयल बिका है और अभी जो आपको दिखा रहे हैं बोलिया शिमला की बटा गफर मंडी से यहाँ पर दिखा रहे हैं तो बटा गफर आया था नंबर हम 21 नंबर स्टॉल के सामने खड़े हैं और अब केटीसी के सामने हम मौजूद हैं 21 नंबर में वहां पे भी जो बोली यहां पर लग रही है सेब की बाहर से भी जो है आरती यहाँ पर आते हैं सेब की जो है खरीदारी करने के लिए और काफी दूर दूर से अगर बात करें एमपी से यहाँ पे महाराष्ट्र से यहाँ पे आते हैं दिल्ली हरियाणा और जो सेब का जो प्राइस है आपको अभी तक जो हमारे सामने बिकी है 3000 रुपये पेटी पे बिकी है तो हाँ पेटी है रॉयल की वो 850 रुपये तक की हमें बिक रही है मैं आपको उस टाइम तो ये आरती भी यहाँ पर आए हैं उनसे पूछते हैं सबसे अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं पीएनएस पुना मेरा नाम बुरहान है तो अब जो सेब सीजन स्टार्ट हो चुका है क्या रेट मिल रहा है आपको सेब की क्वालिटी किस तरह से यहाँ पे मिल रही है सर अगर दर अच्छी है माल अच्छा है तो उसका कॉस्ट अच्छा है देखो 2800 रुपये का लिया मैंने दर अच्छी अगर माल अच्छा रहेगा तो उसका यही रेट रहेगा सर तो कितना आपको जब बाहर को जब सेब ले जाते हैं तो कितने और आपको इसमें एक्स्ट्रा लगता है और कितनी डिमांड है अगर दूसरे आपके पुणे की अगर बात करें तो
अगर वहाँ पे अच्छा माल आता है, कॉस्ट अच्छी आती है तो उसका अच्छा रेट लगता है सर। अब ये मोटा दर है, माल अच्छा है तो उसका अच्छा रेट मिलेगा, इसको 6% हमारे को कमीशन भी है, इसका 200 रुपये भाड़ा भी है। कुछ किस तरह की डिमांड रहती है आपके वहाँ पर पूना की अगर बात करें? हमारे को अच्छा माल चलता है, मोटी दर का माल चलता है। यानी कि साइज अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर रेट तब वो उसका रेट देते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2800 रुपये यहाँ पर बिका है, 2800 रुपये सेब इन्होंने लिया है और मैक्सिमम जब से हम बोलिए दिखा रहे हैं आपको तो 3000 रुपये पेटी यहाँ पर गई है। तो रेड गोल्डन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो अब जो सेब आपको बता दें, ज्यादा जो सेब है आरती है वो पराला मंडी में शिमला के ठियोग में यहाँ पर जाता है और वहां पर काफी सेब यहाँ पर आ रहा है। हालांकि शिमला में भी जो सेब पहुंच रहा है पर बोलियां पठानकोट फल मंडी से। क्या जो यहाँ पर बोलियां आपको दिखाई, हमने रेट आपको बताए, कौन कौन सा सेब यहाँ पर पहुंचा है वो भी आपको पूरी जानकारी दी हमने और आरती हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर है। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपका स्वागत है लाइव टाइम टीवी में। और शिमला की पठानकोट फल मंडी की अगर बात करें, किस तरह का जो रिस्पॉन्स अब आ रहा है, कितना सेब यहाँ पर पहुँच रहा है? धन्यवाद। ज्ञान सिंह एंड संग, शॉप नंबर 27, सब्जी मंडी ढली। जो सेब आजकल चल रहा है उसका मेरे हिसाब से जो रेट निकल रहा वो मैं समझता हूँ पिछले साल से भी अच्छा निकल रहा। अभी सिर्फ दिक्कत क्या आई है, जब जो ओले वाला माल है जो जिसको आप बजरी कहते हैं वो तो थोड़ा पिट रहा है, बाकी एक नंबर माल है इस वक्त भी 2000 से लेकर 3000 रुपये तक भी ढली मंडी में बिक रहा है। कल जो हमारे एक साथी ने 3600 रुपये भी माल बेचा है, तो मैं समझता हूँ ये पिछले साल से भी बेहतर रेट है। और बाकी जो आम माल जिसमें ज्यादा छोटा, इस बार फसल को ज्यादा देखते हुए ज्यादातर माल जो है छोटा आ रहा है, वो माल भी इस वक्त जो है 1800 से लेकर 2200 रुपए तक बिक रहा है। तो मैं तो समझता हूँ पिछले साल से भी बेहतर रेट है। और जो बाकी जो दूसरे माल है ओले वाले या बी ग्रेड है वो तो आप भी समझते हैं या जिम्मेदार भी समझ रहा है कि भाई वो तो हल्का बिकेगा, आगे भी मार्केट जो है कोरोना काल करके भी दूसरा बाढ़ करके भी थोड़ा सा उठाव जो है अगली मंडियों में कम हो रहा है। और दूसरा मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ, हम इस राजधानी की मंडी में बैठे हैं, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने 2-3 बार जो है प्रशासन से बात भी की, मैं कहा यार यहाँ लाइट तो लगा दो, हमें लाइट की रात को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ तक आज देखो यहाँ माल बिकते 15 दिन हो चुके हैं तो यहाँ तक लाइट का प्रबंध आज भी नहीं हुआ है। मैं सरकार से भी डिमांड करूंगा, प्रशासन से भी करूंगा, तो जल्द से जल्द जो यहाँ लाइट तो लगा दिया जाए। और जो मंडी बनने की बात रही वो भी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पिछले साल से एक साल हो चुका मंडी को गिरते हुए, यही आश्वासन मिला है भाई बन रही है, बना कुछ नहीं है। ये मैं सरकार से अभी भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मंडी का कुछ किया सोचा जाए। राजधानी के अंदर मंडी है, सारा किसान हमारे ऊपर विश्वास करके यहाँ इतना माल आ रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इसके कुछ ना कुछ सोच विचार करके जल्दी से जल्दी इसको अगले साल के लिए तो तैयार किया जाए। चलो ये सीजन तो निकल गया जैसा भी है, तो अगले साल के लिए तो तैयार किया जाए। धन्यवाद। सब्जी मंडी और सही तरीके से चाहिए तभी यहाँ पर बागवान किसान आएंगे। अभी तक कौन कौन सा सेब यहाँ पर पहुंच रहा है, वैरायटी की अगर बात करें और किस भाव बिका है, जैसे रॉयल हो गया, रेड गोल्डन हो गया, गोल्डन सेब हो गया, कौन कौन सा सेब जहाँ पर और कितनी पेटी अभी तक यहाँ पर आपको? जो वैरायटी में तो इस वक्त माल खत्म हो चुका है, वैरायटी में जैसे टाइडमैन होता है और रेड जून है
या सांबर क्वीन है वो तो अब खत्म हो चुका। अब जो है पर वैरायटी में आ रहा है या रॉयल वैरायटी में आ रहा है या रेड गोल्ड आ रहा है या रेड गोल्डन आ रहा है। जो मैंने पहले भी कहा है हर चीज का अच्छा दाम मिल रहा है और यहाँ आवक एक दिन में मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार पेटी की हो रही है और आने वाले टाइम में जो है हर डे बाय डे बढ़ने की उम्मीद है। धन्यवाद और बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो 25 से 30 हज़ार पेटियाँ यहाँ पर आ रही है, पिछले कल 3600 रुपये यहाँ पर पेटी बिकी है, आज की अगर बात करें 3000 यहाँ पर पेटी बिकी है। ये नहीं कि इनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है किसानों को अच्छा बागवानों को जो अच्छा रेट मिल रहा है। हालांकि जो है बजरी की यहाँ पर मार पड़ी है, ओले की यहाँ पर मार पड़ी है, फिर भी जो है किसानों को यहाँ पर अच्छा रेट मिल रहा है। साइज भी छोटा है, कलर भी नहीं आ रहा है और जिस तरह से आपको बात करें तो पराला मंडी में भी काफ़ी सेब पहुँच रहा है, शिमला मंडी में यहाँ पर पहुँच रहा है। साथ ही साथ यहाँ की मंडी की हालत जो है सुधारने की बात करें, यहाँ पर लाइट नहीं है और जो लाइन स्लाइड हुआ था उसका काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी।